Hi, today I am going to solve some basic problem of discrete Fourier transformation. So these are the basic problems which is very essential for the basic knowledge of discrete Fourier transformation. So according to the problems, see the slide. Compute the endpoint DFT of the following sequences where n is even. So I am taking here the three examples or three basic sequences which is shown here, first one and second one and third one. So these examples are very essential for the basic knowledge of discrete Fourier transformation. So let's start with the basic examples. So start with the solution. Before starting the solution, we will discuss about basic definition of discrete Fourier transformation. So by definition, an endpoint DFT is given by xk, which is equals to n equals to 0 to n minus 1 xn e to the power minus j 2 pi by n k of n, where k is from 0 to n minus 1. So let's understand what is n, what is k. Here the n is your discrete time index and k is your discrete frequency index. So ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिए गए हैं वो क्या क्या हैं, और यहाँ पर जो कैपिटल N है दैट इज टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स इन द गिवन सीक्वेंस, नंबर ऑफ सैम्पल्स. सो इन दिस फॉर्मूला दीज आर द वेरिएबल्स एंड मीनिंग ऑफ द गिवन वेरिएबल्स इज हियर. सो समटाइम्स दिस formula is written in different format, and the format is this, where this e to the power j 2 pi by n k n is written in the format of w suffix base n to the power k n. Is this w? This w is known as Tweedle factor. So where Wn is Tweedle factor defined as e to the power minus j 2 pi by n called Tweedle factor. So यहाँ पर यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये Tweedle factor इस फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि बार बार इसको लिखने में e to the power minus j 2 pi by n there is very problem, बार बार आप वही लिखते रहें, इसीलिए इसको एक सिंपल से फॉर्मेट में राइट डाउन कर दिया गया है जिसको हम बोलते हैं Tweedle factor. सो ये जो बेसिक फार्मूला है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का, इसको आपको याद रखना है. तो अब इस फार्मूले को लेते हुए मैं एक एक एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूं. सो आई एम टेकिंग हियर द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज एक्स एन इक्वल्स टू डेल ऑफ एन. एज यू नोन एज डेल एन इज योर इंपल्स सिग्नल, एंड इंपल्स सिग्नल डिफाइंड एज इन द गिवन फिगर. Here del n is defined equals to 1 at n equals to 0. So this is the graph of impulse function, and its formula is simply or its function is del n equals to 1 where n equals to 0, and other than 0 its value is equals to 0. इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. वी विल यूज दिस फॉर्मूला एज पर द गिवन प्रॉब्लम. सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ डीएफटी, एक्स के इक्वल्स टू द फॉर्मूला ऑफ डीएफटी. सो इन द प्लेस ऑफ एक्स एन, हियर गिवन द सिग्नल इज डेल एन. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एन सिंपली डेल एन. But del n is defined only for n equals to 0. n equals to 0 के लिए केवल ये defined है, other value के लिए ये defined नहीं है. इसलिए मैं इस formula को simply
एन इक्वल्स टू जीरो के लिए रख देता हूँ। तो एन इक्वल्स टू जीरो पे डेल एन की वैल्यू यूनिटी आ गई और यहाँ पर एन है तो इस एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो आ गई। किसी की भी पावर जीरो अगर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, यूनिटी। सो सिंपली एक्स के इक्वल्स टू वन। तो इसका मतलब ये हुआ जो इम्पल्स फंक्शन है उसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म वन होगा। इसको सिंपली इस फॉर्मेट में हम लिख देंगे। इसको आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये अक्सर बहुत जगह पर यूज होता है। वी विल यूज ऑलवेज दिस फंक्शन एज मेनी टाइम्स इन द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। डेल एन का डी एफ टी वन होगा और यू मे से द आई डी एफ टी ऑफ वन इज इक्वल्स टू डेल ऑफ एन। सो यू मे रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, द डी एफ टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन इज यूनिटी एंड द यूनिटी का आई डी एफ टी डेल एन होगा। नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड प्रॉब्लम। द सेकेंड प्रॉब्लम इज द शिफ्टेड वर्जन ऑफ इम्पल्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ डेल एन माइनस थ्री, इट मीन्स इट वैल्यू इज इक्वल्स टू वन एट एन इक्वल्स टू थ्री एंड जीरो अदर देन थ्री। थ्री पे इसकी वैल्यू वन होगी और थ्री के अलावा किसी भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू जीरो होगी। सो वी विल सी विद द ग्राफ एंड एग्जाम्पल। सी हियर इन जनरल डेल एन माइनस जीरो, सो यहां पर ये वैल्यू एन जीरो है, एन जीरो पे इसकी वैल्यू वन है और अदर वैल्यूज पे इसकी वैल्यू जीरो है। सो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में या एक्सप्रेशन फॉर्म में मैं लिखूं, देन डेल एन माइनस एन जीरो इक्वल्स टू यूनिटी एट एन इक्वल्स टू एन जीरो एंड जीरो व्हेन एन इज नॉट इक्वल्स टू एन जीरो, द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डी एफ टी द फॉर्मूला इज गिवन एस in front of you, and in the place of x n simply we will put del of n minus n 0. So this del n minus n 0 equals to unity at n equals to n 0 value. So simply solve it. So its value equals to unity at n equals to n 0. Clear? So solve it simply x k equals to 2 del factor to the power k of n 0. Suppose agar example del n minus 3 given hota to iska agar main n point dft find karta to simply 2 del factor to the power 3 k ye aapko value mil jati. तो इसको भी आपको याद रखना है। सो इट शुड बी रिमेंबर। सो सिंपली सी द डी एफ टी ऑफ शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन विच इज टू डेल फैक्टर टू द पावर के एन जीरो। एन जीरो की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज एक्स एन इक्वल्स टू यू एन माइनस यू ऑफ एन माइनस ऑफ कैपिटल एन, और दिस एक्स मे बी डिफाइंड एज वन फ्रॉम एन इक्वल्स टू जीरो टू एन माइनस वन, अदरवाइज इट्स वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। तो इस फंक्शन को इस फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको मैं एक एग्जाम्पल से शो करता हूँ। सो आई एम शोइंग दिस एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। So let's take here a signal which is un. As you know, the un is your step function and defined by the expression un equals to unity when n is greater than or equals to 0, otherwise its value equals to 0. And I am taking a shifted version of step function which is un minus 3. It means it will start from 3, 4, 5 and so on, and previous value are 0 and its mathematical expression is equals to un minus 3 equals to 1 when n is greater than or equals to 3, otherwise
इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यू एन में यू एन माइनस वन को सब्ट्रैक्ट किया है, तो मैं इस सिग्नल में इस सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो आई एम यूजिंग हियर द सब्ट्रैक्शन एंड द रिजल्ट इज अब आप यू एन माइनस ऑफ यू एन माइनस थ्री, फर्स्ट जीरो सैंपल की वैल्यू वन है, यहां पर जीरो सैंपल की वैल्यू जीरो है, सो वन माइनस जीरो सैंपल से सैंपल की वैल्यू को घटाइए ये वन आ गया। सेम एज फर्स्ट सैंपल, इसकी वैल्यू वन है यू एन में, एंड यू एन माइनस थ्री में यू इसकी वैल्यू फर्स्ट सैंपल की वैल्यू वन है, इसको इसमें घटाया तो ये वन आ गया। सेम एज फॉर सेकेंड सैंपल, सब्ट्रैक्ट यू एन माइनस थ्री, इट्स अगेन वैल्यू इज इक्वल्स टू यूनिटी। अब अगर थर्ड सैंपल को देखें तो थर्ड सैंपल यहाँ पर यूनिटी है और यू एन माइनस थ्री में भी थर्ड सैंपल यूनिटी है, सो वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सेम एज फॉर फोर्थ सैंपल, इट्स वैल्यू इज जीरो। सो जो आगे की वैल्यू है सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो जीरो होंगी। इट मीन्स यू मे से दैट इन द एक्सप्रेशन फॉर्मेट एक्स ऑफ यू एन माइनस यू एन माइनस थ्री इज डिफाइंड एज वन वन वन, यानी कि केवल तीन आपको वन वन मिलेंगे। वी विल फाइंड ओनली थ्री वंस इफ द सिग्नल इज यू एन माइनस ऑफ यू एन माइनस थ्री, और यू मे राइट इन अनदर फॉर्मेट इट्स वैल्यू इक्वल्स टू यूनिटी फ्रॉम जीरो टू टू, इट्स सैंपल वैल्यू इज जीरो, इट्स सैंपल वैल्यू इज वन, इट्स सैंपल वैल्यू इज टू। क्लियर? सो यू मे राइट दिस इज इक्वल्स टू जीरो टू एन माइनस वन। तो यहां पर आप इसको आप देख सकते हैं कि अगर यू एन माइनस ऑफ यू एन माइनस एन है तो इसको इक्वल्स टू वन शो कर सकता हूं मैं जीरो से एन माइनस वन तक। इट मीन्स सिंपली यू एन माइनस ऑफ यू एन माइनस वन यू मे ऑल्सो राइट इज इन दिस फॉर्मेट, यानी कि यू एन माइनस कैपिटल एन है, इसका मतलब ये वन 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 है जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक। अब इस प्रॉब्लम को मैं डीएफटी से सॉल्व करूंगा। अगर आपको यहाँ से एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि इस एक्सप्रेशन को मैंने कैसे लिख दिया है यहाँ पे, सो स्टार्ट विद द DFT, the sequence is in front of you and the definition of DFT well known for you and its value, that is the value of xn equals to unity from n equals to 0 to n minus 1. Clear? So और यू मे राइट दिस फॉर्मेट। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक बेसिक फॉर्म लेके चलूंगा जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। एज यू नो अ जीपी दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समटाइम्स डिफाइंड एज ए AR, AR square or up to AR n minus 1 or the summation of GP, sum of GP is defined as AR to the power n minus 1 divided by R minus 1 when r is not equals to unity। ये आपको बेसिक फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इफ a इक्वल्स टू यूनिटी देन gp विल बी, देन द gp विल बी 1 r r square एंड अप टू r n माइनस 1, सो इट्स समेशन फ्रॉम
अब चूंकि ए इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया, तो यहां पर आर की पावर क्या है, अगर देखा जाए तो आर की पावर 0 है, आर की पावर 1 है, तो इट मीन्स एन इक्वल्स टू 0 टू कहां तक वैल्यू गई है, एन माइनस 1 तक। सो एन माइनस 1 आर टू द पावर एन, इट्स वैल्यू इक्वल्स टू आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 व्हेन आर इज नॉट इक्वल्स टू यूनिटी। और अगर R की वैल्यू यूनिटी हो गई, इफ R इक्वल्स टू यूनिटी, तो 1 की पावर n, 0 से n माइनस 1 तक 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 आप करते चले जाएंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, n आ जाएंगे। यानी कि R इक्वल्स टू अगर 1 हो गया तो इट्स वैल्यू इज n, इफ R इज नॉट इक्वल्स टू यूनिटी देन द समेशन इज दिस। सिंपली सी हियर, दस consider the summation of GP. If GP is b to the power n, its value is b to the power n minus 1 divided by b minus 1 if b is not equals to 1, or if b equals to 1, its value is equals to unity. So, इस formula का अब मैं use करूँगा इस expression को solve करने। So, let here Tweedle factor to the power k is equals to b, यानी कि यहाँ पर जो Tweedle factor ये आपको given है, ये इसको मैंने b मान लिया, तो ये हो गया b to the power n. So simply, so this will become b to the power n. So its summation according to the summation of GP, this, यानी कि b की value ये है, तो b equals to अगर 1 है, then इसकी value n होगी, अगर b इक्वल्स टू 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी b टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय b माइनस 1। b की वैल्यू क्या है आप यहां से देख सकते हैं। तो अब मुझे केवल इसको सॉल्व करना है, अगर आपको क्लियर हो गया है तो ओके। सो इस एक्सप्रेशन को लेते हुए व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सी हियर, when Tweedle factor to the power k equals to 1, ये 1 कब होगा, when this value of k equals to 0, किसी की भी पावर 0 अगर है उस तब इसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब when k equals to 0 then the value of Tweedle factor equals to unity, इसका मतलब इसकी वैल्यू यूनिटी कब होगी, जब Tweedle factor to the power 0 होगा। नेक्स्ट वन, इसकी वैल्यू यूनिटी कब नहीं होगी, जब इस k की वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर k 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा as shown here, अगर k equals to 0 नहीं होगा तब ये कंडीशन फुलफिल होगी। इट मींस ये वैल्यू अगर यहां पर k equals to 0 हो गया यानी कि 1 हो गया तब इसकी वैल्यू n हो जाएगी, k equals to 0 अगर नहीं है देन इसकी वैल्यू ये होगी। क्लियर हो गया यहां से, तो Tweedle factor में यानी कि हम मुझे वैल्यू लेके चलनी है इस k की, k equals to 0 it means the value of this Tweedle factor is equals to unity, so its value is n, if k is not equals to 0 then the value of summation is this. Clear? Now the next step, Tweedle factor is defined as e to the power minus j 2 pi by n, Tweedle factor to the power k, तो यहां पर भी पावर k आपके सामने आ गया, Tweedle factor to the power k की पावर अगेन n, तो इसके साथ में n और मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि n से n जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो e to the power j 2 pi k बचा। k यहां पर क्या है, इंटीजर कुछ डिस्क्रीट सैंपल्स हैं, तो इंटीजर फॉर्मेट में होगा, 0 1 2 3 4 5 लाइक वैल्यू होगी। सो सिंपली यू मे राइट दिस विल बी cos 2 pi k माइनस j sin 2 pi k, k की वैल्यू 0 1 2 3, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, ये sin 0 0 हो जाएगा, k की वैल्यू 1 है तो cos 2 pi अगेन 1 हो जाएगा, sin 2 pi अगेन 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 माइनस j 0, यानी कि इस समेशन की वैल्यू यानी कि इस Tweedle factor to the power n की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसका मतलब यहां पर जो Tweedle factor यूज किया गया है इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, यूनिटी। सो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, यूनिटी।
अगर ये यूनिटी आ गया तो ये 1 माइनस 1 हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0। सो इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो सिंपली यू मे से दैट इफ के इक्वल्स टू 0 इट्स वैल्यू इज n, इफ के इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन एक्स के इक्वल्स टू 0। सो सिंपली इट्स डीएफटी इज n टाइम्स डेल ऑफ k, क्योंकि k इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू n है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट द डीएफटी ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, और यू मे राइट द फॉर्मेट ऑफ एक्स के इक्वल्स टू एन व्हेन के इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ के इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये दोनों फॉर्मेट ही सेम फॉर्मेट हैं। तो ये डीएफटी किसका है, जरा इसको भी देख लेते हैं। एक्स एन अगर 0 से एन माइनस 1 तक है 1 1 1, तो इसका डीएफटी होगा एन के इक्वल्स टू 0 पे केवल, और अदर वैल्यूज क्या होंगी, 0। तो ये क्वेश्चन कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आपके सामने आएगा। वो फॉर्मेट क्या क्या है जरा देखते जाइए। सो लेट्स सी द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ दिस एग्जांपल। एज पर द गिवन प्रॉब्लम इफ एन इक्वल्स टू 1, सो द प्रॉब्लम विल बी और प्रॉब्लम कैन बी एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 8, और यू मे राइट इट एक्स एन इक्वल्स टू 1 व्हेन एन इक्वल्स टू 0 टू 7, अदरवाइज इस वैल्यू इक्वल्स टू 0, और एक्स एन इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स 1। तो ये तीनों जो प्रॉब्लम है या तीनों जो फॉर्मेट हैं, ये सेम फॉर्मेट हैं, किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका डीएफटी सिंपल आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डीएफटी क्या क्या होता है, एन पॉइंट डीएफटी। आप इसके डीएफटी को एन टाइम्स एक्स के, जो कि ये है आपके सामने गिवन, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और 8 के इक्वल्स टू 0 पे और अदर वैल्यू पे 0, के की अदर वैल्यू पे 0 लिख सकते हैं, और इसको 8 के इक्वल्स टू 0 पे 8 वैल्यू हो गई और अदर वैल्यूज जो हो गई वो 0 0 0 हो गई। तो ये तीनों भी डीएफटी आप किसी भी फॉर्मेट में लिख देंगे तो ये भी सेम होगा। तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे भी टर्न करके घुमा करके आपसे पूछी जा सकती है कि आप इसका डीएफटी फाइंड कर दीजिए, या फिर आप इसका डीएफटी फाइंड कर दीजिए, या फिर आप 1 1 1 1 का डीएफटी फाइंड कर दीजिए। सो सिंपली अगर 1 1 1 1 इस टाइप से है, इसका मतलब जितने भी 1 हैं उस आंसर उतना ही होगा, केवल के इक्वल्स टू 0 पे और सारी वैल्यूज 0 होंगी। तो ये तीन प्रॉब्लम मैंने ली थी यहाँ पर। आपको ये प्रॉब्लम कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक करें अगर अच्छा लगे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसकी जो भी PPT है, इसका PDF फॉर्मेट मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको डाउनलोड करना है वहाँ से तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंकिंग यू।